नमस्कार दोस्तों, रामकला दोस्तों, प्रताप बलोचन में सबका स्वागत है। आज दोस्तों हम बात करूंगा अपने कटड़ी पणिया बछड़ी गाय भैंस, इनको दोस्तों हम खुलकर हिट में कैसे लाएं। जब तक दोस्तों हमारे पशु खुलकर हिट में नहीं आएगी तब तक वो गर्भ धारण नहीं करेगी। ऐसा देखने को मिलता है हल्का फुल्का हिट में आ गई, हम जो है सीमन करा के डॉक्टर से सीमन करवा देते हैं, तो क्या होता है कि वो हमारी जो पशु होती हैं वो गर्भ धारण नहीं करती, बार बार रिपीट हो जाती हैं, बार बार हिट में आती हैं। कभी कभी ऐसा देखने को मिलता है कि कुछ लोग बोलते हैं हमारे पशु हिट में आ ही नहीं रही है। तो दोस्तों क्या है, कुछ चुप्पी हिट में आती हैं, साइलेंट हिट जिसे कहते हैं, जिसे आपको पहचान करना होता है, उसके बारे में दोस्तों हमने वीडियो बनाया। दोस्तों अगर आपको खुलकर हिट में कैसे लाएं नहीं पता है तो उसका वीडियो हमने बनाया है, वो वीडियो हम लास्ट में लगा दूंगा। यानी खुलकर यानी कि चुप्पी हिट में, यानी अगर हिट में है हम पहचान नहीं कर पा रहे हैं, तो उसके बारे में दोस्तों हमने बहुत अच्छे से जो है बताया है, आप उस वीडियो को देख लेना, वीडियो को लास्ट में हम जो वीडियो लगा दूंगा। अगर हम बात करते हैं दोस्तों जो खुलकर हिट में कैसे लाएं, खुलकर हिट में लाना बहुत जरूरी होता है जिससे हमारी पशु एक ही बार में हिट में आने के बाद गर्भ धारण कर ले। अगर खुल के हिट लाना है तो सबसे पहले ध्यान रखना है कि पशु को, जैसे पाड़ी है कटड़ी है कोई भी पशु आपकी है, कीड़ी की दवा अवश्य पिलाना है। अगर कीड़ी की दवा नहीं पिलाओगे तो को ऐसा भी देखने को मिला है कीड़ी की दवा नहीं पिलाते तो भी हिट में नहीं आती, हिट में आती भी है तो गर्भ धारण नहीं करती। तो सबसे पहले उनका पेट साफ होना जरूरी है, ये समझ लीजिए। हर 3 महीने पे अपने पशुओं को कीड़ी की दवा पिलाएं, जैसे छोटी है बड़ी है कितने वर्ष की है उसके हिसाब से भी उसकी मात्रा का डोज होता है। आप अपने नजदीकी पशु डॉक्टर से भी संपर्क कर सकते हैं कि हम किस तरह से इतने वर्ष की है तो कितना डोज दें कीड़ी की दवा। टेबलेट में आता है और सिरप में भी आता है। तो सबसे पहले कीड़ी की दवा दे दिए हैं, उसके 2 से 3 दिन बाद या 4 दिन बाद जब तक पेट साफ हो रहा है उसके बाद आपको दोस्तों देसी तरीके हम बता रहा हूं, बहुत बढ़िया से खुलकर हिट में आएगी और गर्भ धारण भी कर लेगी। तो खुलकर हिट में किस तरह से हम ला सकते हैं, कीड़ी की दवा पिलाने के बाद ही इस फॉर्मूले को यूज करना है। सबसे पहले आपको लेना है 2 चम्मच हल्दी। हल्दी कौन पाउडर लेना है, गांठ वाली हल्दी लेना है, गांठ वाली, गांठ को बारीक पाउडर बना लेना है। पाउडर बनाने के बाद लगभग 200 ग्राम बरगद का पत्ता लेना है, बरगद का पत्ता, उसके अंदर दोस्तों इसको बारीक कर लीजिए। बारीक करने के बाद उसको जो है इसमें हल्दी को डाल दीजिए। हल्दी में डालने के बाद लगभग दोस्तों 2 से 250 ग्राम आप जो है चोकर ले लीजिए या कुछ भी ले लीजिए, उसके अंदर मिक्स करके अपने पशु खिला दीजिए। इसी तरह से आपको लगभग 10 दिन देना है, फिर देखिए कि पशु खुलकर हिट में आएगी। जो पशु हिट में नहीं आ रही वो हिट में आ जाएगी, और जो बिल्कुल खुलकर हिट में नहीं आती थी वो भी हिट में आएगी, जो पशु बार बार रिपीट करती थी वो रिपीट नहीं करेगी, खुलकर हिट में आएगी और एक ही बार में गर्भ धारण कर लेगी। दोस्तों हमें उम्मीद है कि आप लोग समझ में आ गया होगा।